दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ आज कोरोना वायरस को देखते हुए न्यायालय जुडिशियल ने एक आदेश निकाला था कि 31 तारीख तक किसी भी प्रकार का कोई भी न्यायिक कार्य नहीं होगा, सारा कार्य स्थगन कर देंगे। आज की जो तारीख है वो आगे चले जाएंगी, पर कुछ लोगों की भ्रामृति होने की वजह से आज केंद्र सरकार में राज्य सरकार दोनों ने एक सर्कुलर निकाल दिया कि भीड़ नहीं करनी है और किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसी जगह नहीं जाना है जहाँ पर इस तरीके के वायरस होने की संभावना हो, क्योंकि भीड़ जहाँ होगी वहीं भी संभावना होगी। इसलिए राज्य सरकार व केंद्र सरकार व जुडिशियल ने एक संयुक्त रूप से एक आदेश निकाला कि 31 मार्च तक किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य जुडिशियल का नहीं होगा। जो भी कार्य होंगे उसके आगे की आगामी तारीख 15 अप्रैल से मानी जाएगी। उसके बाद भी पब्लिक आ रही है और वो अडामेंसी ये कर रही है कि हमें जाने दो, जबकि अंदर काम नहीं हो रहा है। हमारे सभी से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ ना करें, आप किसी भी भीड़ वाले स्थान पर ना जाएँ। केंद्र सरकार व राज्य सरकार के जो भी आदेश हुए हैं उन आदेशों की पालना सख्ती से की जाए। जो हाईकोर्ट के निर्देश आए हैं, कोरोना की जो महामारी फैली हुई है पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसको देख के एहतियात के और तौर पे और बचाव के तौर पे आज हमने हमारी जुडिशियली की और वकीलों की कल मीटिंग हुई थी, उसके अंदर कुछ कदम उठाए गए हैं कोरोना के बचाव के लिए। उसमें ये उठाया गया है कि हमारे जो कोर्ट में 4 गेट हैं उसमें से एक गेट खुला रहेगा और पक्षकारों की कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि जो भी डेट हो रही है वो कॉमन डेट हो रही है, कोई ट्रायल नहीं चल रही है, सिर्फ अर्जेंट मैटर की हियरिंग हो रही है। उसको देखते हुए इस एक गेट को खुला रखा है जिसमें केवल अधिवक्ताओं का प्रवेश होगा और जितने भी अधिवक्ता अंदर आ रहे हैं कोर्ट परिसर में उनका सैनिटाइजर हो रहा है, उनका हाथ धुलवा रहे सैनिटाइजर से और हाथ धुलवा के उनको प्रवेश कर रहे हैं और सारी कैंटीनें बंद हैं और कोई ट्रायल नहीं होगी, केवल अर्जेंट मैटर की हियरिंग होगी। कोरोना की गंभीरता को देखते हुए चूंकि पूरे गवर्नमेंट भी इसमें लगी हुई है, तो हम लोगों की भी जिम्मेदारी होती है, आम जन की पब्लिक की भी जिम्मेदारी होती है कि इसकी गंभीरता को समझे और इसको फैलने से रोके। इसी संदर्भ में डीजे साहब से कल हमारी मीटिंग हुई थी हमारे जिला सत्र न्यायाधीश से, उन्होंने हमसे भी कहा था कि भाई वो तो अपने प्रयास कर ही रहे हैं, साथ में वकील लोग भी इसमें प्रयास करें। आज चूंकि अब 15 अप्रैल तक ये कॉमन डेटे रहेगी, कोई किसी क्लाइंट का कोई काम ही नहीं है कोर्ट में, डेटे अपने आप हो रही है, वकीलों का कोई काम नहीं है, वकील सिर्फ आते हैं जिनका अर्जेंट मैटर होता है, बेले होती है, रिमांड होता है। तो यहाँ पे जो भी क्लाइंट आ रहे हैं कई जने उधम मचा रहे हैं, उनको पता नहीं है कि भाई क्या है, तो उनको हम समझा रहे हैं प्यार से कि ऐसा कुछ नहीं, आपकी डेटे मिल जाएगी, आपका संबंधित जो वकील है आप उससे संपर्क करें, आपको डेट अगली मिल जाएगी, आपको अंदर आने की जरूरत नहीं।